आपके किसी भी कारण अगर लगने के कारण मांस फट गया हो या किसी कारण मांस फट गया हो या पुरानी जो चोट है वो आपको जैसे ही बादल होते हैं तो आपको मालूम पड़ता है कि चोट तो है, दर्द हो रहा है, लेकिन कहाँ है, क्या है, मालूम नहीं है। या आपकी कोई हड्डी फ्रैक्चर हो गई हो, जॉइंट होने में समय लग रहा हो, घबराने की आवश्यकता नहीं है। ये नुस्खा उन लोगों के लिए अति उत्तम रूप से काम करेगा, बड़ा ही आसान है, बिना खर्चे का। ऐसी ही छोटी छोटी आसान जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कर आप हमारे फैमिली बन जाइए। समझते हैं इस वैल्यूबल आसानतम बिना खर्चे के नुस्खे को। जो पीपल का पेड़ है उसकी 21 पत्तियां ले लीजिए, गीली पत्तियां ले लीजिए और इसको खरल करके एकदम पेस्ट बना दीजिए। जब बेहतरीन पेस्ट बन जाता है तो गुड़ की सहायता से 21 गोलियां बना दीजिए। उसमें गुड़ मिलाकर आप बनाना चाहोगे तो बढ़िया बेहतरीन चिपक जाती है आपस में और गोलियां बन जाती है। फिर आप इन गोलियों को 7 दिन तक, 1 दिन की 3 गोली सुबह खाली पेट देसी गाय का दूध के साथ में सेवन कर लीजिए। 7 दिन आप सेवन कर लेते हो तो आपका फटा हुआ मांस जो है वो ठीक हो जाता है। हड्डी का फ्रैक्चर है जो जल्दी घाव नहीं भर रहा है, वो हड्डी हड्डी जो टूटी हुई जॉइंट जल्दी नहीं भर रहा है वो जल्दी जुड़ने लग जाती है, या कोई पुरानी गुमशुदा चोट है जो आपको मालूम नहीं कब लगी, कैसे लगी और दर्द हो रहा है, तो सारा दर्द खत्म हो जाता है। उपयोग करने की आवश्यकता करके देख लीजिए। आपने पूरा वीडियो देखा, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। ईश्वर आपको निरोग रखे, आपके परिवार को निरोग रखे, दिन दुगनी रात चौगुनी आप और आपका परिवार सतत आगे बढ़ते रहे, ऐसी हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। अगर आप चाहते हो दूसरों की भलाई लेना, विचार उत्पन्न हो गया हो मन में, तो ये जानकारी शेयर कर दीजिए। एक लाइक मेरे लिए।